साजिद खान एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए घर के अंदर एंटर किया था, जो कि अभी बाहर निकल गया। और ये चीज़ सलमान को भी पता होगी, बिग बॉस की सारी टीम को भी पता होगी, बॉन्ड बनाए होंगे इसकी वो। तो जब इन लोगों को पता ही था कि एक ऐसा इंसान जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए घर के अंदर एंटर कर रहा है, वैसे इंसान को घर में भेजा ही क्यों? पर्पस क्या था उसके भेजने के पीछे? क्या पर्पस था? जब तुम ट्रॉफी के लिए जा ही नहीं रहे हो, खेलने के लिए जा ही नहीं रहे हो, तुम इतने दिनों के बाद बाहर आ जाओगे, तो तुम्हारा पर्पस क्या था अंदर जाने का? ये भी पर्पस हो सकता है कि बाहर जो गंदी वाली इमेज जो बनी हुई थी उसे सुधारने के लिए, या ये भी पर्पस हो सकता है कि बाहर वाले जो गंदी इमेज बनी थी उस पर वाइट वॉश करने के लिए, क्योंकि साथ में अब्दू को पकड़ा दिया गया, एक ऐसा कैरेक्टर पकड़ाया गया जो काफ़ी प्यारा था, क्यूट सा था, उसके साथ रहो तो जाहिर सी बात है इमेज थोड़ी थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाएगी, है ना। और दोनों के जो इविक्सन तो मैं नहीं बोलूँगा, अब्दू और साजी जो घर से जब बाहर निकले थे, दोनों को जो ट्रीटमेंट दिया गया बिग बॉस की तरफ से वो भी देखने लायक है। सोचो जरा, घर के अंदर जो सबसे अच्छा जो सदस्य था वो अब्दू था, सबसे प्यारा सदस्य, सभी उसे प्यार करते थे, सभी के साथ उसका अच्छा चलता था, दिल का बहुत अच्छा था, सभी से बातें अच्छे करता था, सबसे प्यारा सदस्य था अब्दू। लेकिन अब्दू जब बाहर निकला तो उसके साथ क्या हुआ? बिग बॉस ने एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया, उसके बाद अब्दू बाहर निकल गया। अब साजिद को देख लो, साजिद जब घर से बाहर निकल रहा था तब बिग बॉस ने उसके लिए कितना बढ़िया इंतजाम किया था, उसके अच्छे अच्छे फोटो लगाए गए थे, अच्छे अच्छे मोमेंट के फोटो लगाए हुए थे। बिग बॉस ने खुद अपनी तरफ से 10 मिनट का स्पेशल भाषण भी दिया, काफ़ी इमोशनल भाषण। साजिद भी फूट फूट के रो पड़ा, बगल के जो सदस्य थे वो तो रोएंगे ही रोएंगे। मतलब एक इमोशनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया साजिद के लिए कि भैया बहुत ही बढ़िया आदमी था, जा रहे हो भैया, मैं तो कलेजा फट गया मेरा। और ऐसा लग रहा था, मुझे तो देख के हंसी आ रही थी, मुझे तो लग रहा था मैं कोई हिंदी सीरियल देख रहा हूँ, सास बहू वाली, उसमें कोई इमोशनल सीन चल रहा हो। मतलब एक इमोशनल सीन क्रिएट किया गया तब साजिद साहब जो हैं घर से बाहर निकले। मतलब इस देश के जितने भी दर्शक थे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दर्शक होगा जो अब्दू को प्यार ना करता हो। तो सबसे ज़्यादा जो इज्जत का जो हकदार था, जो स्पेशल ट्रीटमेंट का जो हकदार था, वो अब्दू ही था। लेकिन ये लोग अब्दू को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देंगे? अगर अब्दू को स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते तो साजिद खान अब्दू से नीचे हो जाता। यहाँ तो मेन पर्पस ये था कि साजिद को अब्दू से ऊपर रखना था, यानी हर सदस्य ऊपर रखना था, तो स्पेशल ट्रीटमेंट साजिद को ही मिलनी चाहिए थी और साजिद को दी भी गई। तो साजिद खान का बिग बॉस में आने का सिर्फ एक ही पर्पस था और वो था अपने इमेज को सुधारना, या यूं बोल लो उसकी जो गंदी वाली इमेज जो बनी हुई थी उस पर व्हाइट वॉश करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं।